बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये मार्च 2023 का पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम लोग टू ब्लॉक्स साइड डायरेक्टली टूवर्ड्स टू ब्लॉक्स स्लाइड डायरेक्टली टूवर्ड्स ईच अदर अलोंग अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन इन फिगर 4.1। द ब्लॉक्स कोलाइड एंड देन मूव एज शोन इन फिगर 4.2। तो ये बता रहे हैं कि एक्स आगे जा रहा है, वाई ऑपोजिट आ रहा है, और आफ्टर कोलिजन दोनों लेफ्ट साइड पर आ रहे हैं। ब्लॉक एक्स इनिशियली मूव टू द राइट विद द मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम बताया हुआ है इन्होंने इस पर। ब्लॉक वाई इनिशियली मूव्स टू द लेफ्ट विद द मोमेंटम ऑफ ये, इसकी वैल्यू भी दे दी है। आफ्टर द ब्लॉक्स कोलाइड ब्लॉक एक्स मूव टू द लेफ्ट बैक टू इट्स ओरिजिनल पाथ विद द मोमेंटम ऑफ 0.13 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ब्लॉक वाई ऑल्सो मूव टू द लेफ्ट आफ्टर द कोलिजन। सही है, तो ये चीज़ हमें समझ आ रही है। आगे बढ़ते हैं। ब्लॉक एक्स हैज़ एन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 0.3 जूल्स, कैलकुलेट द मास ऑफ द ब्लॉक एक्स। अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो है एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, और एनर्जी मुझे बताई हुई है 0.3 इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मैं इस टू को यहाँ ले जाऊँ तो ये बन जाएगा 0.6 इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर, और मेरे पास और कोई इन्फॉर्मेशन इस वाले केस में नहीं है। अब हमें अपनी थोड़ी साइंस लगानी पड़ेगी। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास टाइम्स वेलोसिटी। तो अगर मैं इसको तोड़ूँ ये बन जाएगा 0.6 इज इक्वल्स टू मास टाइम्स वेलोसिटी टाइम्स वेलोसिटी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 0.6 इज इक्वल्स टू मोमेंटम टाइम्स वेलोसिटी। मोमेंटम मुझे पता है ब्लॉक एक्स का, दैट इज 0.37। तो ये बन जाएगा 0.6 इज इक्वल्स टू 0.37 टाइम्स वेलोसिटी। 0.6 डिवाइड बाय 0.37 मेरी वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी मेरे पास आ रही है 1.62 मीटर्स पर सेकेंड। ये वेलोसिटी आई है, मुझे मास निकालना है। अब अगर मैं बैक टू इसके ओरिजिनल फार्मूला पे चला जाऊँ तो ये बन रहा था 0.6 इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर्ड। तो ज़रा वापसी चले जाते हैं, 0.6 इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर्ड। तो 0.6 डिवाइडेड बाय 1.62 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम। तो एम की वैल्यू मेरे पास आ रही है 0.2284। राउंड ऑफ कर देंगे तो बन जाएगी ये 0.23 किलोग्राम्स। ये इसका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब वो बोले डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम ऑफ ब्लॉक वाई आफ्टर द कोलिजन। तो अब बिल्कुल चीज़ करनी है, ये जो चीज़ राइट पर जा रही है वो पॉजिटिव हो जाती है, जो लेफ़्ट पर जा रही है वो नेगेटिव हो जाती है। इसको ज़रा दूसरे पेन से मार्क कर देते हैं। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, फिर ये नेगेटिव हो गया, और ये भी नेगेटिव हो गया। तो ये कैसे लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे 0. या फिर इसको ऐसे कर दो ना, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल में दो आ रहे हैं, एक आ रहा था 0.37 माइनस 0.65। यहाँ तो प्लस ही आएगा लेकिन इसके अंदर माइनस 0.65 हो जाएगा। इज इक्वल्स टू 0.13, बाहर तो प्लस ही है लेकिन माइनस 0.13 हो जाएगा अंदर, फिर प्लस आएगा। और डायरेक्शन वाई की जो है वो फिर से लेफ्ट पर है, तो फिर मैं इसको फिर से क्या कर दूंगा, माइनस वाई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगी वैल्यू इसकी
-0.15 इज इक्वल्स टू -1, तो माइनस से माइनस हट जाएगा तो वैल्यू मेरे पास रह जाएगी 0.15 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट पार्ट है, ब्लॉक एक्स एग्जर्ट एन एवरेज फोर्स ऑफ 7.7 न्यूटन ऑन ब्लॉक वाई ड्यूरिंग द कोलिजन, कैलकुलेट द टाइम दैट द ब्लॉक्स आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। तो ये इम्पैक्ट वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। इसमें हम लोग क्या करते थे कि फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज ऑफ मोमेंटम पर टाइम, टाइम निकालना है, फोर्स पता है, चेंज ऑफ मोमेंटम मुझे वाई का पता है, तो इसमें कोई सा भी लगा दो, एक ही बात है, एक्स लगा दो वाई लगा दो, कोई मसला नहीं होगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा चेंज इन मोमेंटम ओवर फोर्स। अब देख लेते हैं इसमें ऊपर हो क्या रहा था। ये माइनस में जा रहा है, ये भी माइनस में जा रहा है, इसकी वैल्यू माइनस माइनस इसकी वैल्यू, तो -0.65 प्लस माइनस हो जाएगा ये कौन सा 0.15 जो वैल्यू आ रही थी इसकी। तो पहली वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू, तो ये बन जाएगी अब सही है। इसको एक्स से भी कर सकते हैं, एक्स से कर लो, एक्स से भी वही चीज़ बनेगी 0.37 माइनस माइनस 0.13, क्योंकि इसमें होता असल में ये है कि बिफोर इम्पैक्ट आपकी बॉल एक्स के लिए ऐसे जा रही है, वॉल से टकराएगी, वापसी आएगी इस तरफ, तो ये तो वैल्यू प्लस में है, ये माइनस में है, लेकिन ये खुद भी सेल्फ माइनस में, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अगर मैं एक्स से करूँ तो ये बनेगा 0.37 माइनस माइनस 0.13 डिवाइडेड बाय फोर्स दैट वाज 7.7। इसका आंसर मैं देख लेता हूँ क्या आ रहा है, 0.0649 क्योंकि राउंड ऑफ करके बन जाएगा 0.065। ये मैंने एक्स से करा है, अब ये मैं अगर वाई से करूँ तो वाई से भी देख लेते हैं। अब ये बॉल जो है ना उल्टी जा रही है, शुरू में ही उल्टी जा रही है और ऐसे भी उल्टी जा रही है, तो इसकी वैल्यू मेरे पास हो जाएगी -0.65 और इसकी हो जाएगी +0.15। अब क्योंकि टाइम है तो इसमें इतना कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, इसको ऐसे भी कर लो, वाई से कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये वैल्यू बन जाएगी -0.65 +0.15 डिवाइडेड बाय 7.7। इससे भी करके देख लेते हैं, तो वही टाइम आ रहा है माइनस का, लेकिन 0.0649। बात वही है, टाइम कभी भी माइनस में नहीं जाता, तो इसलिए इसका यही आंसर रहेगा 0.65। और ये मेरा क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच।